फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओप्पो A12 की बटन रिमूव करते हैं विथ UMT प्रो डंगल के साथ। तो बने रहिए दोस्तों लास्ट तक, देखते रहिए वीडियो को और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिए मेरे हर एक स्टेप को। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि उसी फायर में ओप्पो A12 के किसी भी वगैरह की मॉडल नहीं है। तो मैं MTK सॉफ्टवेयर ओपन कर चुका हूँ, और उसके बाद आपको रीड एंड टूल्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आपको ओप्पो मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। ओप्पो मॉडल सेलेक्ट करने के बाद आपको A12 सेलेक्ट कर लेना है। आपको A12 सेलेक्ट कर लेना है। A12 सेलेक्ट करने के बाद आपको डू पर क्लिक कर लेना है। बाकी सब कुछ रहने देना है, डू पर क्लिक कर लेना है। और उस डू पर क्लिक करने के बाद आपको फ़ोन को PC से कनेक्ट करना है। मैं आपको बताता हूँ अभी। डू पर क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल को अपने कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के टाइम आपको मोबाइल फ़ोन की वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस एक साथ प्रेस करते ही USB केबल पुश करना है, और पुश करते ही आपका FRP 100% अनलॉक हो जाएगा। अगर तब भी नहीं हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, उस ड्राइवर को आपको इंस्टॉल कर लेना है। उस ड्राइवर का नाम है, देखिए मैं अभी आपको आपके सामने इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। अभी उस ड्राइवर का नाम है LIBUSB MTK का ड्राइवर। इस ड्राइव को इंस्टॉल करने के बाद आपकी पूर्ण 100% गारंटी के साथ मैं देता हूँ कम्प्लीटली बटन रिमूव हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए।